नमस्कार डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जो जिसको समझ में आ गया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जिसको समझ में नहीं आया उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आज के वीडियो में हम थोड़ी सी ऐसी चर्चा करेंगे और आगे के कुछ बेसिक पार्ट हम बनाएंगे वीडियो में कि जो हम केमिस्ट्री को ईजी बना सकें। कैसे ईजी बनाना है केमिस्ट्री को, वो हम एक टॉपिक वाइज स्टेप वाइज आगे आए हैं। आज मैं बात करूँ, आप या नाइन्थ में हैं या फिर इलेवंथ ट्वेल्थ में आ गए हैं, तो कभी कभी आपको बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। केमिस्ट्री के अंदर कुछ वर्ड्स है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है, कुछ डेफिनेशन है, वो समझ में नहीं आती। तो हाउ टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री फ्रॉम बॉटम, वो हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो के अंदर। स्टार्ट करेंगे स्टेप वाइज, एक एक वीडियोज के अंदर हम इसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि भाई ये वीडियो के अंदर कि बेसिक केमिस्ट्री कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि एक चीज होती है एटॉमिक नंबर। जैसे आप सबने एक बात सुनी है एटॉमिक नंबर के बारे में, क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो जितना नंबर ऑफ एटम। यस, कि पीरियोडिक टेबल में जब मेंडेलीफ ने एटम्स को अरेंज किया है तो उसके अकॉर्डिंग उसके नोमेनक्लेचर में उसको नंबर्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 1, 1, 8 तक। तो यहां तक के सारे एलिमेंट एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में अरेंज हुए हैं। हमें उसको अगर अच्छे से समझना है दोस्तों, केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है, तो पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझना होगा। पहले के 3-4 टेबल वीडियोस तो हम ऐसे ही बनाएंगे और फिर हम आगे जाएंगे कि भाई हाउ टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर पीरियोडिक टेबल। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद रह गया तो समझ लो कि आधा केमिस्ट्री याद रह गया, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इतनी ज़्यादा चीज़ें छुपी हुई है कि उसी से ही आपको केमिस्ट्री ईजी लगने लगेगा। कुछ लोगों को पीरियोडिक टेबल हार्ड लगता है, तो हमने ये ट्राई किया है कि पूरा पीरियोडिक टेबल को पूरा पिज्जा की तरह पूरा नहीं खाना है, पीस कर करके खाना है। तो ये पिज्जा की तरह है आपका पीरियोडिक टेबल, तो और डिवाइड भी अच्छे से किया हुआ है, तो वो सब चीज तो बाद में हम चर्चा करेंगे। तो उसका फर्स्ट स्टेप हमें पीरियोडिक टेबल में एक स्टेप रखना है, तो उसमें आता है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है एक से, तो आज हम ये वीडियो में देखेंगे कि एक से 10 तक 1 to 10 एलिमेंट्स जो है उसके नोमेनक्लेचर या तो उसके सिंबल्स या एटॉमिक मास कितना कितना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों साइलेंटली आप लोग इच्छो तो इसको नोट भी कर सकते हो और वीडियो को अगर पसंद आए तो शेयर कर देना। देख लो यहाँ पे 1 to 10 जिसका एटॉमिक नंबर है, ऐसे एलिमेंट हमें यहाँ पे याद रखने हैं। तो इसमें हमने शॉर्टकट बनाया है, सॉरी क्या बनाया है, शॉर्टकट। तो हाई हेली बेगो क्या वर्ड है दोस्तों, रिपीट इट विथ मी, हाई हेली बेगो। बोलो तो हाई हेली बेगो, हम इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। खाना या तो काना, हाई हेली बेगो काना। यस काना, काना मतलब कृष्ण। और तो नए, तो देखो दोस्तों अगर इतना आपने याद रख लिया, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हो, हाई हेली बेगो काना और फ्लाई नए, फिर से एक बार हाई हेली बेगो काना और फ्लाई नए, तो इतना याद रखने से हमने शॉर्टकट बना लिया है। अब उसके मैं लिख रहा हूं नेम्स, सॉरी सिंबल्स,
हाई का मतलब होता है एच, हाइड्रोजन, सिंपल बाद में नाम लिखेंगे एच, हे हीलियम एच ई, ली हाई है ली, डे डेरियम दोस्तों बी ई सही है, वो हो जाएगा ओगन ओनली बी, और का मतलब के लिखा है लेकिन हमको कार्बन का है इसलिए हमने इसको लिखा है सी, ना मतलब नाइट्रोजन होता है तो ये हो जाएगा एन, और में ओ फ्लाई में एफ, नयन में न यन, उससे बन जाता है नियन, नयन नियन गैस जैसा है तो एनी। चलो सब का अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पे सिंबल हो गए, अब क्या लिखना है हमें नेम्स, नेम क्या होगा इसका, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सॉरी बेरिलियम, बोरोन, कार्बन देख सकते हो ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एफएल, फ्लोरीन सॉरी एंड नियॉन। चलो ये तीन चीजें आपने 10 एलिमेंट तक देख ली, एक चीज इसमें बच जाती है जो है एटॉमिक मास, इसके लिए मैं यहां पे लिखा हूं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियम, दीज आर द एटॉमिक नंबर, इसको ऐसे लिखा जाता है जो सिंबल होता है ना एक्स सिंबल है, और यहाँ पे जो है कॉर्नर यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है एटॉमिक नंबर 6, 7, 8, 9 and 10। चलो हो गया, अब इसका मास लिखना है एटॉमिक मास, तो दोस्तों ये जो हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास 4 है, मतलब कितना है डबल है, उसके बाद कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है तो ये कितना है 12, इसका 7 है तो ये कितना होगा 14, ऑक्सीजन का 16 और नियॉन का 20। तो दोस्तों 1 से 10 एलिमेंट में एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आप सीधा उसका मास याद रख सकते हो, लेकिन सारे एलिमेंट का डबल होता है ऐसा नहीं है, ऑल एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटॉमिक मास इज डबल और मोर कंपेयर टू एटॉमिक नंबर, तो डबल किसमें है इतने में है, बाकियों में क्या है डबल प्लस वन, याद रखो क्या है डबल प्लस वन, तो लिथियम 3 2 6 + 1 7, 4 2 8 + 1 5 2 10 + 1 एंड 9 18 + 1 19 हो जाएगा। तो ये चीज आपको जो दिख रही है वो क्या है एटॉमिक मासेस, और ये हाइड्रोजन एक बच गया, और हाइड्रोजन एक यूनिक है एक एक्सेप्शनल केस में हम उसका एटॉमिक मास कितना ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हमने खुद पसंद आया तो हमने ले लिया, उसका प्रॉपर रीजन है दोस्तों, प्रॉपर रीजन उसका एटॉमिक मास फाइंड किया जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसके अकॉर्डिंग आएगा, वो हम फ्यूचर में देखेंगे कि उसको कैसे क्यों वन है वो, लेकिन समझ में आया। तो ये जो चीज है इसका एटॉमिक मास नंबर सिंबल ये सारी चीज हमने ये वीडियो में देखी है, शॉर्टकट जो हमने दिया है शॉर्ट ट्रिक दी है वो हमें ये याद रखनी है तो रख सकते हो, आपके पास कोई भी है पुरानी भी याद रखी है तो भी रख सकते हो, केमिस्ट्री को इजी से इजी
बनाने के लिए हम ऐसे वीडियो पार्ट वन है ये, पार्ट टू भी अपलोड करते रहेंगे, आप उसको कंटिन्यू देखते रहना, अपने हिसाब से अलग से नोट भी बना सकते हो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, आप नोट डाउन कर लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों को भी भेजो और सब्सक्राइब करो। समझ में आया दोस्तों? थैंक यू। राइट डाउन इट।